जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल्स वाउचर के अंतर्गत इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई के बारे में। देखिए इसमें लिखा है इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई लोकल सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई होगा कि आउटवर्ड सप्लाई होगा? आउटवर्ड सप्लाई होना चाहिए ना। यहाँ पे कह रहा है कि इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई लोकल सेल के नाम से हम लोग जानने वाले हैं। मतलब इंट्रा के मतलब अगर बात किया जाए तो इंट्रा का मतलब क्या होता है और इंटर का मतलब क्या होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब अपने स्टेट के अंदर और इंटर स्टेट का मतलब अपने स्टेट के बाहर। तो जैसे इसमें लोकल सेल लिखा हुआ है और इस लोकल सेल के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है सबसे पहले कि लोकल सेल होता क्या है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था इसके पहले परचेज के बारे में, बताया था, बोलिए। परचेज के बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें जो है उसमें भी मैंने आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में पढ़ाया था। इसमें भी आपको इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट के बारे में समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सबसे पहले इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, उसको बना लीजिएगा कॉपी में, सॉरी बुक में। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई होगा, ठीक है ना, और जिसको लोकल सेल के नाम से हम जानते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसके बारे में समझिए, ये होता क्या है, इसमें किस वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है, कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई हमारे लिए इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। समझ में आ रहा है ना। कह रहा है कि जब हम अपने स्टेट के अंदर किसी कस्टमर या डीलर को गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हैं तो यह सप्लाई इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कहलाती है। और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या समझ में आया कि जैसे अगर लोकल सेल के बारे में बात किया जाए तो लोकल सेल को बोला जाता है इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई के नाम से। जो ऐसी सप्लाई होती है जो अपने स्टेट के अंदर वो सप्लाई की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस रजिस्टर्ड है कहाँ पे, कुशीनगर जिले में, और मैंने प्रोडक्ट को सेल किया देवरिया जिले में, तो ये अपने स्टेट के ही अंदर हो रहा है ना। या फिर मान के चलिए कि हमारा बिजनेस है पटना सिटी में और मैंने प्रोडक्ट सेल किया कहाँ पे, मान के चलिए कि मैंने बेच दिया जो है कानपुर में, तो ये भी अपने स्टेट के अंदर ही है ना। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं जो अपने स्टेट के अंदर सेल किया जा रहा है, ऐसे प्रोडक्ट को जब हम सेल करते हैं तो उसकी एंट्री इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई यानी कि लोकल सेल के नाम से जानते हैं। और इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्जेबल होता है। जैसे एक ट्रांजेक्शन दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड फॉलोइंग गुड्स टू एसएस कंप्यूटर गोरखपुर बाई इनवाइस नंबर B2B00। कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कुछ गुड्स बेचा गया किसको, एसएस कंप्यूटर बाई इनवाइस नंबर B2B00। अब चूंकि एसएस कंप्यूटर की बात हो रही है तो एसएस कंप्यूटर हमारे पार्टी का नाम है ना, और क्या हो रहा है, सेल हो रहा है, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर होगा कि सन्ड्री डेबिटर होगा। नहीं, डेबिटर होगा। जब सेल किया जा रहा है तो सन्ड्री डेबिटर होगा ना। एसएस कंप्यूटर को सेल किया गया जो रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर का। तो चलिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए वो भी किसमें, B2B में। तो B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब जो पार्टी सेल कर रहा है उसके पास भी जीएसटी नंबर है और जो पार्टी परचेज कर रहा है उसके पास भी मतलब जीएसटी नंबर है। ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, B2B वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ से टेली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। चलिए इसमें एजुकेशनल मोड वाले को लेना है, कंट्रोल प्लस F3, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, एंटर करेंगे डी ड्राइव, फिर इसमें अपने डेटा को सिलेक्शन कर लेंगे जो मेरी कंपनी है। अब चलिए चूंकि बात हो रही है किसकी, सेल्स वाउचर की, वो भी कौन से वाउचर, B2B, तो सबसे पहले F8 बटन दबाइए। किसके लिए, सेल्स वाउचर के लिए। पहले तो यहाँ पे वाउचर पे आना है ना, उसके बाद F8 बटन दबाना है।
F8 बटन दबाएंगे तो ये पूछेगा सेल्स B2B की सेल्स B2C, तो इसमें आपको ले लेना है सेल्स B2B। आप पूछेगा लोकल है कि इंटर स्टेट है, लोकल है ना, क्योंकि कानपुर अपने स्टेट के अंदर है तो लोकल होगा ना, तो यहाँ पे सेल्स लोकल एंटर करिए। पार्टी अकाउंट नेम, किस पार्टी से कौन पार्टी को सेल किया जा रहा है, SS कंप्यूटर, जो रहने वाला है कहाँ का, गोरखपुर गोरखपुर का, इसमें तो दो को बनाऊंगा। चलिए आप बताइए आइटम, कौन सा आइटम सेल किया जा रहा है। तो देखिए इसमें आइटम का नाम सीरियल वाइज तरीके से दिया गया है। पहला कह रहा है BG18 स्टैंडर्ड एडिशन, एक प्रकार का BG कंपनी का सॉफ्टवेयर है, BG का सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे भर दीजिए BG18 आ गया। लोकेशन कहाँ दिया है, लोकेशन को चूज कर लीजिए। क्वांटिटी क्या पीस दिया है, दो पीस दिया है। रेट 10,500 एंटर करिए। अगला अगला क्या दिया है, हवाई पूरा नाम, P30 Pro स्मार्टफोन है ना, क्या है, ठीक है। क्वांटिटी इसका एक पीस, रेट कितना है, 12,500 रुपये एंटर करिए। अब अगला प्रोडक्ट iPhone 11 Pro, इसमें भी हम वेयर हाउस लेते, क्वांटिटी दो पीस, रेट 28,500 एंटर करेंगे। इसके बाद से अगला देखिए लेनोवो K6 Note 10, ये ले लेंगे, इसका भी लोकेशन वेयर हाउस, क्वांटिटी तीन पीस, हाँ एंटर। अगला MI सुपर बेस हेडफोन है ना, क्वांटिटी इसमें भी तीन पीस रखेंगे, नहीं रेट और कुछ है, नहीं 10,926 आया है, सही है ना। तो देखिए नहीं जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ऑटोमेटिक GST उठाता है, मतलब इसमें CGST या GST लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं आता। अगर आपका पूरा 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 आइटम सही बना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका GST वगैरह सब बता देगा, ठीक है ना। अगर नहीं पहले से बना है तो यहाँ पे मिस्टेक होता है, दिक्कत होती है, इसलिए मैंने जब वाउचर आपको क्रिएट करना बताया था B2B और B2C का, इसलिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको हम क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, बस Ctrl+A बटन दबा लीजिए। यहाँ से कह रहा है ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, हम कह देंगे नहीं, ई वे बिल नहीं जनरेट करना, एक्सेप्ट हो गया। अगला ट्रांजेक्शन क्या दिया है, चलिए अगला लिखा है चेक टैक्स एनालिसिस टू वेरिफिकेशन आइटम वाइज टू सेंट्रल स्टेट एंड टैक्स ओपन टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्लेसिंग मोर डिटेल्स। ठीक है, इसमें चेक करने के लिए कि क्या सब में GST इक्वल है कि नहीं, सब में GST लगा है कि नहीं लगा है, ये रिपोर्ट जांच करने के लिए कह रहा है कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि उस किस मतलब उस क्या करना है, उसको खोल लेना है जो मैंने अभी ट्रांजेक्शन मैंने कम्प्लीटली किया था, और उसके बाद से कह रहा है कि वहां पे हम प्रेस करेंगे Ctrl+I। लेकिन चलिए चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप यहाँ पे बैक आ जाइए। अब यहाँ पे आना है सबसे पहले कहाँ पे, डिस्प्ले डेबू, और ये ट्रांजेक्शन आपको मिलेगा F4 बटन प्रेस करना है, और ये ट्रांजेक्शन आपको सेल्स वाउचर B2B में मिलेगा ना, सेल्स B2B एंटर करिए, यही ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे आइए एंटर करके, आइटम पे जब आप आ जाइएगा यहाँ पे, वो Ctrl A नहीं है, Alt+A है, लिख लीजिए Alt+A, और इसका पूरा डिटेल देखने के लिए Alt+F5, Alt+A होना चाहिए, Ctrl A नहीं होना चाहिए, Alt+A और Alt+F5, Alt+A और Alt+F5 बन गया। ऐसे पूरा डिटेल आपको चेक करा देगा, देखिए मैचिंग किया है, कैसे करना है एक बार और समझिए आप। देखिए सबसे पहले आपको आ जाना है डिस्प्ले डेबू पे, एंटर करिएगा F4 बटन दबाइएगा, इसमें कौन सा वाउचर लेना, सेल्स B2B, देखिए यही है ना, ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे आइटम पे आ जाइए, ठीक है, अब अल्ट के साथ A बटन दबाइए, टैक्स एनालिसिस के लिए लिखा है ना टैक्स एनालिसिस, और Alt+F5 बटन दबाइए डिटेल के लिए, देखिए आ गया पूरा डिटेल। अब कोई ऐसा आइटम जिसमें GST ना लगा हो, हर एक आइटम में GST लगा हो, कोई दिक्कत, ये इसलिए चेक कराने के लिए बोला है
क्योंकि अधिकतर सेल्स करते समय अधिकतर हम जीएसटी छोड़ देते हैं गलती से, इसलिए मतलब जीएसटी को जांच करना हो तो आसानी तरीके से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अगला, इसके बाद से क्या दिया है, इसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, चलिए अगला दिया है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 1 पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बाई कैश, रेट RS 20,000, इनवाइस नंबर B2C001। बिजनेस टू कस्टमर की बात हो रही है, तो देखिए जब हम कस्टमर को सेल करेंगे और वो भी किसके माध्यम से सेल हो रहा है, तो कैश के माध्यम से सेल हो रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि 1 पीस सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस बेचा गया कैश से और 22,000 रुपये से। जैसे मान के चले कि आपने दुकान किया है और कोई कस्टमर आपसे आया, कहा कि ऐसा है कि भैया हमको सैमसंग गैलेक्सी का फोन आप दे दीजिए, 1,000 रुपये का है, तो आपने बता दिया कि सर 22,000 रुपये का पड़ेगा, ठीक है हमको दे दीजिए, तो उसका जो आप बिल तैयार करेंगे ना वो कैश में करेंगे, 1 पीस के लिए किसमें तैयार करेंगे, कैश में तैयार करेंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है B2C का मतलब बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि कैश से सेल किया जा रहा है, सेम ट्रांजेक्शन वही है। देखिए बस आपको करना क्या है, आप यहाँ पे सबसे पहले वाउचर पे आइए, वाउचर पे आना है, इसके बाद से F8 बटन दबाना है ना, अब यहाँ से आपको B2B की जगह पे क्या लेना है, B2C लेना है, और इसमें भी लोकल ही लेना है, एंटर करिए, किससे बिलिंग हो रहा है, कैश से बिलिंग हो रहा है, तो कैश ले लीजिए। अब आइटम का नाम पूछेगा, सैमसंग गैलेक्सी है ना नोट 10 प्लस, वेयर हाउस दे दीजिए यहाँ से लोकेशन में, क्वांटिटी 1 पीस, रेट 22,000 बस। आप यहाँ पे देखिए 1980 आया है, इजी है कि नहीं है, बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब अगला क्या दिया है, अगला दे रहा है रिपोर्ट चेकिंग, अब आप रिपोर्ट को चेक करिए कि सही है कि गलत है, करा है कि GST R1 या GST रिटर्न का रिपोर्ट होता है और रिपोर्ट में सारे सेल्स का डेटा होता है, इसलिए B2B और B2C के लिए अलग अलग वाउचर बनाया गया था, और इस रिपोर्ट को देखने के लिए करें कि गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, GST रिपोर्ट पे आना है, GST R1 पे आना है, F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए शो टैक्स टाइप इन सेपरेट कॉलम को क्या करना, यस करना। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले बैक गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसके बाद से यहाँ पे आ जाना है कहाँ पे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, और यहाँ पे आ जाना है जीएसटी रिपोर्ट्स पे, ठीक है, और यहाँ से GST R1 लेना है। अब क्या दबाना है, F12 बटन दबाना है। अब इसमें किसको यस करना है, शो टैक्स टाइप्स इन सेपरेट कॉलम को यस करना है, और यहाँ से डिटेल ले लीजिएगा और इसको एक्सेप्ट कराइए, ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखिए मैच कर रहा है, देखिए एक आपका 22,000 वाला ट्रांजेक्शन बता रहा है B2C वाला बता रहा है यहाँ पे, और एक आपका B2B वाला भी यहाँ पे देखिए शो कर रहा है, ये दोनों आपका ट्रांजेक्शन इसमें शो होना चाहिए, देखिए एक पहला मैंने B2B वाला किया था तो ये B2B वाला यहाँ पे ट्रांजेक्शन शो हो रहा है, और एक मैंने B2C का किया था तो B2C का यहाँ पे शो हो रहा है, देखिए 22,000 रुपये का 1980 आया था और इसमें 10,926 रुपये इसका GST आ रहा है, सही है, सही है कि गलत है, तो इस तरीके से रिपोर्ट आपको भी चेक करना पड़ेगा, नहीं चेक करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए बैक आते हैं एक बार और समझिए, देखिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आना है, इसमें आपको आना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे, और यहाँ पे आपको आ जाना है सबसे पहले GST रिपोर्ट पे, और यहाँ से ले लेना है GST R1, और यहीं पे F12 बटन दबाना है, क्या दबाना है, पहला ऑप्शन यस रहेगा, सेकंड वाले ऑप्शन में डिटेल में आपको चेक करना है तो डिटेल आप ले लीजिए, ऐसे रिपोर्ट आ जाएगा आपके सामने, कोई दिक्कत। अब चलिए अगला ऑप्शन क्या दिया है, सेल्स B2C लार्ज, इसको भी बता दें, देखिए कह रहा है सेल्स B2C लार्ज के बारे में, जब हम किसी कस्टमर को 2,50,000 से ज्यादा का अमाउंट सेल एक ही बिल में करते हैं तो यह सेल्स सेल्स B2C लार्ज कहा जाएगा, अभी तो हम नॉर्मल सेल कर रहे थे ना, लेकिन मान के चलिए एक ही कस्टमर को आपने बिल किया वो भी 2,25,000 से ऊपर का बिल आपने कर दिया, ठीक है ना, और कई सारा प्रोडक्ट मान के चलिए कि जो है आपने प्रोजेक्टर बेच दिया, आपने प्रिंटर बेच दिया, आपने टेली का सॉफ्टवेयर बेच दिया, आपने लैपटॉप बेच दिया, आपने मदरबोर्ड बेच दिया, तो सारा अमाउंट जोड़ने के बाद अगर 2,50,000 से ज्यादा अमाउंट का आपने सेल किया है
तो इसके लिए क्या होता है कि इस ट्रांजेक्शन को एंट्री करने के लिए सेल्स B2B लार्ज का जो है एक आपको B2C सेल्स B2C लार्ज का एक जो है आपको बाउचर क्रिएट करना होता है, उसी बाउचर में इसकी एंट्री हम करते हैं। मतलब इसको हम B2C लार्ज के नाम से जानते हैं, ट्रांजेक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हम B2C लार्ज के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे? क्योंकि इसका अमाउंट 2,50,000 से ज्यादा का, इसलिए हम इसको B2C लार्ज के नाम से बोलते हैं। बाकी ट्रांजेक्शन आपका वैसे ही रहेगा जिसके इसके पहले था, बताना पड़ेगा। एक तो ट्रांजेक्शन अपने मन से आप करके दिखाइए, क्यों एक ट्रांजेक्शन अपने मन से करके आप दिखाइए। शेष कल से हम लोग पढ़ा जाएगा इंटरेस्ट रेट आउटवार्ड सप्लाई के बारे में, ठीक है। लार्ज में ही चला जाता है उसको, मतलब लार्ज में चला नहीं जाता है, उसको बोला जाता है ऐसे ट्रांजेक्शन को सेल्स B2C लार्ज ट्रांजेक्शन है वो, क्योंकि 2,50,000 से ज्यादा अमाउंट का सेल है और वो भी एक ही बिल पे सेल हो, ऐसा ट्रांजेक्शन होता नहीं है। अरे कोई जरूरी है कि 10,000 रुपये का ट्रांजेक्शन होगा, 3 लाख 4 लाख रुपए का एक ही जो है आपके इनवाइस पे सेल हो जाता ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को सेल्स B2C लार्ज के नाम से जाना जाता है, हाँ हो जाएगा। तो इतना करिए, कल हम लोग पढ़ा जाएगा इंटर स्टेट आउटवार्ड सप्लाई के नाम से, ठीक है।